जब से सरकार द्वारा ये जाति गणना का रिपोर्ट आया है तब से मेरे बिहार के कोने कोने से कार्यकर्ताओं का जो फोन आ रहा है, सब लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि किसी के घर पे कोई गया नहीं है तो कैसे गणना निश्चित है। हमारे नेता स्पष्ट चिराग पासवान जी का कहना है कि ये आंकड़ों की जो बाजीगरी हुई है, ये निश्चित रूप से किसी एक विशेष जाति और चुनाव के दृष्टिकोण से जल्दबाजी में ये लाया गया है। पासवान समाज का ले लीजिए, चाहे और दलित में जितने भी समाज के साथ जाति गणना में छेड़छाड़ हुआ है, उनकी जाति गणना उतनी नहीं, उससे ज्यादा है। हमारे एमएलए को तो तोड़ लिए, तो जिसके पास एमएलए उन्हीं को बुलाए हैं, तो जिसका से एमएलए है अगर उन्हीं की पार्टी है तो निश्चित रूप से वो अपना मनमानी कर रहे हैं। पर्दाफाश करना चाहिए, हम लोग भी पर्दाफाश में लगेंगे। हमारे नेता तो स्पष्ट रूप से बोल दिया पर्दाफाश करेंगे। एक विशेष जाति और विशेष प्रकार का चुनाव एजेंडा है इनका, ये जाति गणना नहीं है। भागीदारी के हिसाब से मुख्यमंत्री पद त्यागना चाहिए उनको, किसी दलित को बनाना चाहिए कि अल्पसंख्यक को बनाना चाहिए। अरे भाई जब बना क्यों, चेहरे की कमी है। मांझी जी को बनाए तो 6 महीना बर्दाश्त नहीं हुआ, ये अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनकी आबादी 2 पॉइंट है ना, ये अपने अलावा बर्दाश्त नहीं करते हैं किसी को। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जातीय जनगणना का रिजल्ट आया और उसके बाद जो विपक्ष के पार्टी हैं वो लगातार यही आरोप लगाते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पे कि भाई चुनाव से पहले ये जातीय कार्ड खेला जा रहा है। साफ स्पष्ट है कि भाई यह जातीय कार्ड खेला जा रहा है। इसी बनिस्पत हम बात करने के लिए आज लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी में आए हैं और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि यह जातीय कार्ड खेला जा रहा है? देखिए, हमने कल से जब से सरकार द्वारा ये जाति गणना का रिपोर्ट आया है तब से मेरे बिहार के कोने कोने से कार्यकर्ताओं का जो फोन आ रहा है, सब लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि किसी के घर पे कोई गया नहीं है तो कैसे गणना निश्चित है। ये जल्दबाजी में निश्चित रूप से किसी विशेष जाति का, कौन से विशेष जाति की? अब आप समझ रहे होंगे, विशेष जाति किसी विशेष जाति आंकड़ा में सबसे ज्यादा दिख रहा है, बढ़ा चढ़ा करके आंकड़े में तो सबसे ज्यादा घटाने के बावजूद भी दलित है। और किसका घटाया गया, किसका बढ़ाया गया है, आप लोग पास तो है ना सूची पूरा, आप देख लीजिए इसमें। तो निश्चित रूप से हमारे नेता स्पष्ट चिराग पासवान जी का कहना है कि ये आंकड़ों की जो बाजीगरी हुई है, ये निश्चित रूप से किसी एक विशेष जाति और चुनाव के दृष्टिकोण से जल्दबाजी में ये लाया गया है। कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ये जाति गणना है। तो आंकड़े में तो दलित का सबसे ज्यादा है, 36% आया है उन लोगों का, नहीं देखिए 36% दलित का नहीं है, मतलब टोटल, मतलब उनकी पूरी कैटेगरी की अगर बात करें, कैटेगरी में भी नहीं है, आपने देखा नहीं होगा, नहीं 36% दलित का नहीं है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अनुसूचित जाति में जितने भी लोग आते हैं, हाँ एक चीज है कि अनुसूचित जाति में आपको 19.65% दलित और अनुसूचित जनजाति। अरे हम बता रहे हैं ना, पासवान समाज का ले लीजिए, चाहे और दलित में जितने भी समाज के साथ जाति गणना में छेड़छाड़ हुआ है, उनकी जाति गणना उतनी नहीं, उससे ज्यादा है। विशेषकर और सभी जातियों में, अति पिछड़ा में बहुत सारी जातियां हैं कि जिनका कहीं इसमें नाम मैंने बताया है कि दर्ज ही नहीं है, जोड़ नहीं है। तो निश्चित रूप से ये राजनीति से प्रेरित है और ये हम लोग लोजपा रामविलास इस जो है इसको टोटल राजनीति से प्रेरित ही मानती है और सलाह देती है कि इसको पुनः एक बार फिर इसको बढ़िया से जाति गणना करावे। हमारी पार्टी शुरू से जाति गणना के पक्ष में रही। क्या लग रहा है, सलाह देने से मान जाएंगे? क्योंकि सर्वदलीय बैठक हुआ तो उसमें तो आपको बुलाया ही नहीं। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि जिसके पास एमएलए है, हमारे एमएलए को तो तोड़ लिए, तो जिसके पास एमएलए उन्हीं को बुलाए हैं, तो जिसका एमएलए है अगर उन्हीं की पार्टी है, हम लोग भी 25 लाख बिहार के जनमानस ने 137 36 सीट पर लड़ने के बावजूद 25 लाख लोगों का आशीर्वाद मिला है। तो निश्चित रूप से वो अपना मनमानी कर रहे हैं और अपने जो उनका है किसी विशेष जाति को प्रेरित करने के लिए और राजनीति ग्रसित ये जाति गणना। एक चीज और है, क्या करेंगे अब आपके नेता चिराग पासवान, अब क्या करेंगे? क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि हर जगह हम लोग जाएंगे और वो आंकड़े खुद से निकालेंगे, अगर वो लोग नहीं ये करेंगे, खुद से निकालेंगे और फिर जग जाहिर करेंगे, नहीं पर्दाफाश करेंगे। स्वाभाविक है, पर्दाफाश करना चाहिए, हम लोग भी पर्दाफाश में लगेंगे। हमारे नेता तो स्पष्ट रूप से बोल दिया पर्दाफाश करेंगे और निश्चित रूप से हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हम अपने नेता के पास जो गया, नेताओं नेता से हमारे कार्यकर्ता संपर्क किए, उसमें स्पष्ट सिद्ध हो गया है ये
कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ ना कि ये एक विशेष जाति और विशेष प्रकार का चुनाव एजेंडा है इनका, ये जाति गणना नहीं है। मांग करते हैं जैसे आपकी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। अरे इस्तीफा की मांग नहीं कर रहा, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, ये अगर यही अगर वो सही मानते हैं तो भागीदारी के हिसाब से मुख्यमंत्री पद त्यागना चाहिए उनको, किसी दलित को बनाना चाहिए कि अल्पसंख्यक को बनाना चाहिए। कौन होगा चेहरा दलित? अरे भाई जब बना, क्यों चेहरे की कमी है? मांझी जी को बनाए तो 6 महीना बर्दाश्त नहीं हुआ, ये अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, इनकी आबादी 2 पॉइंट है ना, ये अपने अलावा बर्दाश्त नहीं करते हैं किसी को, ये सिर्फ जातीय पाती फैला करके अपना लाभ कैसे इनकी कुर्सी रहे, ये दे ना। अब तो लालू जी इनके बड़े सबसे बड़े दल तो उन्हीं बदौलत ना है ये, उन्होंने तो कहा जिसकी जितनी साझेदारी है उतनी भागीदारी है, तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए इनको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि वो कह रहे हैं कि भाई आंकड़े के हिसाब से दलित का मुख्यमंत्री होना चाहिए और उस बनिस्पत मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और कोई दलित को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। एक बात और है, ये लोग जो कि लगातार जो यही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाई यह राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक कार्ड खेला जा रहा है चुनाव से पहले और इसे पर्दाफाश हम लोग करने में लगे हुए हैं, बहुत जल्द ये और इनके कार्यकर्ता मिलकर हर बूथ तक जाएंगे और वहां से आंकड़े निकालेंगे और उसके बाद फिर सबके सामने लाएंगे और नीतीश कुमार की पर्दाफाश करेंगे। चलिए बिल्कुल इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।